हेलो, ये मेरी बेटी को 10 साल हो गए। 10 साल में मेरा दामाद लड़ाई झगड़ा करके उसको परेशान रखता था। उसको 10 दिन की मार पीट के छोड़ कर मेरी बड़ी बेटी उसके पास छोड़ गया। कह रहा मैं 10 दिन में तुझको लेके जाऊंगा। मेरी लड़की ने फिर फ़ोन उठाया। 10 दिन के बाद उसने फिर फ़ोन नहीं उठाया। एक दफ़े उसने फ़ोन उठाया कि आप तो मेरे से कहीं भी जा, दिल्ली जा चाहे अलीगढ़ जा, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसने मई में साल भर हो गई केस डाल दिया तलाक का। हमने कुछ नहीं करा, पन्ना हमें चाहिए, मेरी बेटी दुखी थी। एक साल पहले केस डाला? हाँ, अब एक साल हो गया, पिछले साल मई में डाला था उसने। ठीक है, तो उसने तलाक का केस डाला। अब इधर से हमने भी डाल दिया जी। अब मेरी बेटी कहती है मुझे जाना उसी के घर, मैं इसको तलाक नहीं दूंगी। आप अच्छा। मेरी बेटी इतनी दुखी है, मैं दुखी हूँ। एक बेटा, दो बेटी, जरा जरा कोई नहीं ठीक हो जाएगा। मुझे लड़का लड़की दोनों का फोटो नाम चाहिए। आप फोटो में इस लड़की जो का... मैं बता, पहले सुन लीजिए जी, फिर जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है जी। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तलाक चाहेंगे तलाक, एक जगह चाहेंगे एक जगह। मेरी बेटी का ये है, मैं उसी घर का घर जाऊँ, मैं दूसरी शादी नहीं करने सकती। आजकल भाभी भैया कोई किसी के नहीं है, प्राइवेट नौकर है, कहाँ तो निकल है। मैं उसी के घर के अंदर जाऊँगी। कोई नहीं, जब आप यहाँ से जाएँ तो मैं बताऊँगा। ठीक है जी, आप बताइए। समस्या ये है सर, मैं कम से कम 10-12 साल से परेशान हूँ, तो पता नहीं चल रहा है क्या परेशानी है। डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने, मतलब कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह, पूरे शरीर का चेकअप वगैरह सब करा लिया मुझे, तो पता ही नहीं चलता है मुझे क्या परेशानी है। कहाँ से आया भैया? घोड़ा से आया। घोड़ा? घोड़ा। नाम क्या है? संदीप नाम है। माँ का नाम? माँ का नाम सुमन है। परेशानी क्या रहती है? परेशानी रहती है जैसे मेरा ये पीलापन है, जैसे मैं पीला पड़ रहा हूँ, कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कभी ऐसा हो जाएगा लालापन हो जाएगा, कभी पीलापन, कभी कैसा ही रंग बदलता रहता है। और जो स्थिति मेरी पहले बहुत बढ़िया थी, जैसे कोई परेशानी नहीं पहले, अब तो बहुत डाउन है गई है। कितने टाइम से? कम से कम 10-12 साल हो गए। अच्छा, और स्त्री डाउन ही होती जा रही है बिल्कुल। डॉक्टरों के क्या आता है चेकअप में? कुछ नहीं आता। चेकअप में कुछ नहीं आता है। तो दवा किस चीज़ की चलाते हैं वो? कुछ नहीं, पीली होता है कोई 10-12 दिन देते हैं, फिर मना कर देते हैं कि अब कोई समस्या नहीं है। अच्छा। चेकअप कर दिया, ये हुआ हुआ, सब बंद कर देते हैं। और ये समस्या मेरी नहीं है, पूरे घर में है ये वाली। सभी परेशान रहते हैं पूरे घर में। वो जान लिया, इसके 3 कारण है आपके साथ। ठीक है, प्रारब्ध के भी हैं, पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं, इस जन्म में इस घर में आकर के। एक तो भूमि दोष है आपके यहाँ, आपके घर जो बना हुआ है वहाँ जमीन में दोष है, वहाँ सुखमय जीवन नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, पैसे को लेकर के, काम को लेकर के, शरीर को लेकर के। ठीक है, आपस में विचार नहीं मिलते, संबंध खराब हो रहे हैं, जगह जगह अच्छे नहीं हैं। हर समस्या का सामना करते करते जीवन निकला जा रहा है, सुख नहीं है। ये पितृदोष हो गया है, भूमि दोष हो गया है, और ये तंत्र क्रिया की हुई उस जगह पर है, काफ़ी सालों पहले की, 100-200 वर्ष पहले की। उस जगह पर ये सबके शरीर में उस जमा का पानी पी रहे हैं, आप अन्न खा रहे हैं उस जगह पर बैठ के, तो वो सब अपने प्रकट हो रही है, अपना रूप ये दिखा रही है आपको। अच्छा है कि थोड़े आचार विचारों के कारण ठीक हैं, नहीं तो अंग भंग भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, ये सब चीज़ें। तो इनका उपाय किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के द्वारा। सबसे पहले पितरों को एक्टिव किया जाए। आजकल 99% हर घर में पितृदोष है, और पितरों को ऐसे मानिए जैसे हमारे घर पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हों तो कोई एंट्री नहीं कर सकता, और सिक्योरिटी गार्ड से मतभेद हो जाए तो वो सोता रहेगा, कोई आओ कोई सामान ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। पितर ऐसे करते हैं, जब नाराज होते हैं तो बाहर की चीज़ें आएंगी जाएंगी, तुम्हें परेशान करेंगे, उन्हें एक्टिव कर लीजिए, कोई एंट्री नहीं करेगा। पहला काम, वो एक्टिव हो जाएंगे तो भूमि दोष भी खत्म होगा,
और नेगेटिव प्रॉब्लम भी खत्म होगी, उनकी कृपा के कारण आपको धन यश कीर्ति मान सम्मान वैभव सब मिलने लगेगा, सारे काम बनेंगे। अभी की स्थिति में आपका कोई भी काम नहीं बनता, ये सब सही है आपके साथ। तो आप जब यहाँ से सेशन के बाद जाएं तो उसके बारे में डिस्कस करके बात करके जाएं हमसे पितृ दोष के बारे में, ठीक है? आप बताइए। अच्छा, पूरे घर की समस्या नहीं है, पूरा घर परेशान है। उनको दे दो। हाँ बताइए। गुरुदेव पूरा सब जगह घूमे आए हम, हर जगह, और ये दोनों मियाँ बीवी धोली डाली इनके बीच, हर जगह से खाली मिला। देखिए आप कहीं भी गए होंगे या आगे भी जाएंगे, वहाँ ये कोई नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम है क्यों। समस्या यहाँ आती है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बुखार है, आपको मालूम है बुखार की पीड़ा है, गर्म हो रहा है कि बुखार है, डॉक्टर ने भी देख लिया, उसने दवा देना स्टार्ट किया, 8 दिन चलाई नहीं गया, फिर उसके बाद में वो सोचेगा लाओ अब की बार टाइफाइड की देके देख लूं, फिर भी नहीं गया, फिर उसने सोचा वायरल की दे दूं, फिर भी नहीं गया, फिर सोचेगा डेंगू की दे दूं। सबसे पहले उसे करना चाहिए ब्लड टेस्ट, ये पता होना चाहिए वायरल है या हमारे लिए टाइफाइड है या चिकनगुनिया है, डेंगू है, तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा। तो स्कैन करने वाले लोग नहीं है यहाँ, पहले यही जाना जाता है प्रॉब्लम है क्यों, उस पर काम किया जाता है, ठीक हो जाता है। मेन प्रॉब्लम ही पितृ दोष की और भूमि दोष की है, ये ठीक हो जाएगी तो कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं। बॉस कोई कुंडली देखता है आपकी, कोई वास्तु देखता है, कोई नक्षत्र देखेगा, ये सब सांसारिक क्रिया हैं, बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है वो ठीक हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। हमें वही करना चाहिए जिससे हम परेशान हैं। तो कहने का मतलब आपको मालूम है कि आपके साथ दिक्कत है, आपने जाके बताया ये दिक्कत है, सामने वाला ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, ये पूजा वो पूजा, लेकिन पहले एक पूजा वो करो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो अन्य पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। तो आप सबसे पहले पितरों को और भूमि दोष का काम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे काम बनेंगे, खुशहाली आएगी, बीमारियाँ खत्म होगी, आनंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और महादेव की शरण में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे दोनों टाइम ज्योति जलती है उनकी, हाँ भैया की बजरंग बली की, हाँ ज्योति जलती है दोनों टाइम। क्या कितना लेट हो गया, कितनी लेट हो, तो बिना भैया ज्योति जलाए बिना खाना नहीं बनेगा। देखिए ये ज्योति जलाने का पूजा करने का काम क्या है आपके जीवन में अभी जो चल रहा है, कि एक बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा हो और उसको आप बादाम खिलाएं, क्या होगा, वो फायदा नहीं करेंगे, उसको लेटिन होगी, गर्मी करेंगे और ज़्यादा दिक्कत होगी, उसे रबड़ी खिलाएं तो नहीं पचेगी, घी खिलाएं तो नहीं पचेगा। हमें पहले तो ठीक होना है जिस प्रॉब्लम है, तब ये ज्योति और ये दीपक ये पाठ काम करेंगे। सेम कंडीशन वही है कि बीमार आदमी जिसको बुखार 104 डिग्री हो, उसे डंबल हाथ में दे दोगे, जिम करो, क्या होगा, ना वो बॉडी बना पाएगा, ना डंबल उठा पाएगा, नाम ये हो जाएगा नहीं जिम हो रही है। ऐसी आपके साथ कंडीशन है, आप कुछ भी कर लीजिए कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक ये उपाय नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे कोई हम श्याने वाले बताते हैं कि श्याने बुलाओ बनाओ, और कोई तो घर आप बता रहे हो, कोई शो बता रहे हो, कोई शो बता रहे हो। देखिए दो तीन चीज, दो तीन चीज ऐसी कॉमन है श्याने व्याने जो आपकी भाषा में कहते हैं उन लोगों की, कि किसी ने करा दिया है, धराव कर दिया है, उतारा कर दिया है, कि ये बताने के बाद आप घबराएंगे, आप कहेंगे अब इसे ठीक करो, ठीक हो जाएगा, आप 10,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, अब हो ना हो करेंगे भी, आपके ऊपर घुमाएंगे भी नींबू मिर्च लेकर के, मटके में रखेंगे, कोई अंडा रखेगा, कोई मुर्गा रखेगा, कोई बकरी के वेट देगा, ये सब सिलसिला चलेगा, कोई दारू घुमाएगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है हमें घुमाना चाहिए अपने ऊपर या नहीं, इससे कुछ नहीं होता। अगर ये होता तो फिर आवश्यकता ही नहीं, जो घुमा रहे हैं ना वो वहीं किसी पे भी घुमा के सब काम सेट कर लेते हैं, पर आपसे निवेदन नहीं करते कैसे करें, ये सब ऐसा नहीं है। पितृ हमारे हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका अंश हमारे शरीर के अंदर हड्डी खून पंच तत्व है, हमें उन्हें एक्टिव रखना है, सब ठीक। अब आपके पिताजी हैं, आप इनको खाने की ना पूछो, सम्मान से बात ना करो, क्या ये आपकी हेल्प करेंगे, सोचेंगे करने दो जो कर रहा है, आप इनको सम्मान देंगे तो ये आपके दर्द को ये फील करेंगे कि होना नहीं चाहिए। सेम कंडीशन पितरों की, वो भी हमारे बुजुर्ग हैं,
तो बस ये कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी जब थोड़ी देर के बाद आपको बता दिया जाए। अच्छा गुरुदेव, मेरी एक लड़की है, डेड है, ये दो बच्चे हैं इसके पास, और पूरा कराना शादी कर ली थी मैंने उसकी, बढ़िया, और वो भी ऐसी गड्ढे में, क्या क्या नहीं है। देखिए, जिस घर में पितृदोष होता है, मैं कुछ सिमिलरिटीज बता दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं, उस घर में तो जो होता ही है, उस घर की लड़की जहाँ रहती है वहाँ वो सुखी नहीं रहती, और उसकी पहली पुत्री ही होती है, लड़का नहीं होता, ठीक है। इस घर में भी कोई मंगल कार्य नहीं होगा, शादी विवाह लेट हो जाएंगे, होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, विचार नहीं मिलेंगे, संतान लेट होगी, हो जाएगी, पहली लड़की होगी, उसके बाद बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, दूसरा बच्चा नहीं हो पाएगा। ये सारी कंडीशन पितृदोष की हमारे ब्लड में डीएनए में दौड़ती है, जहाँ जहाँ डीएनए हमारा संस जहाँ जहाँ, और जहाँ एक जगह कार्यक्रम हो गया वहाँ पर सब ठीक होने लगे। सेम प्रोसेस यही है, जैसे एक जगह बम ब्लास्ट करो तो उसकी धूल चारों तरफ हो जाती है ना, भले ही बम इस जगह गिरा है लेकिन आसपास 10 मीटर में कुछ दिखाई नहीं देगा, तो जो हमारा डीएनए है वो सब परेशान रहेगा। तो डीएनए का कटिंग करना, पितृदोष को एक्टिव करना, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव भाई, पढ़े लिखे बच्चे तो बहुत परेशान होते हैं। कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। चार कांगा हुआ हूँ, पढ़े लिखे बच्चे चार बेचारा, और जो भी ले अभी भी काम बनेगा ही नहीं है, जब तक ये उपाय नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। और इसकी माँ है तो सुबह तो किसी को उठा ही नहीं जाता, सब काम वाले हैं, सब ऐसी लाश ही पड़ जाती है कि शाम तो जाके काम पर जाना, और सुबह देखो हरी झंडी ले साहब, अब सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। गुरुदेव हमारी बच्चों के लिए भीख डाल दो तो बहुत बहुत बड़ा परोपकार होगा।